नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फेसबुक लाइव के दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता लीसी प्रिया कंजुम से बाइक सवार बदमाशों ने रविवार की रात मोबाइल फोन छीन लिया। घटना के वक्त वो दीपावली की पूर्व संध्या पर जगमगाती रोशनी की प्रशंसा के साथ साथ पटाखों से होने वाले प्रदूषण की लाइव जानकारी दे रही थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद लीसी प्रिया ने ट्विटर पर पुलिस को इसकी सूचना दी है। इसके बाद एसीपी सेंट्रल जोन रामबंधन सिंह ने बिस्रक कोतवाली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। बिस्रक थाना प्रभारी और निरीक्षक उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मणिपुर निवासी लीसी प्रिया के ट्विटर पर 1.50 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और इंडिया पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दीपावली पर जगमगाती सोसाइटी को लेकर काफी खुश थी और फेसबुक पर लाइव थी। इसके साथ ही वो पटाखों से होने वाले प्रदूषण और पशु पक्षियों और लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी बता रही थी। आज हर कोई किसी भी अनजान की मदद करने की बजाय उसके साथ घटित होने वाली हर घटना को अपने फोन में कैद करना चाहता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में देखा गया। दरअसल गुरसहायगंज में रविवार को सड़क किनारे एक 12 साल की बच्ची लहूलुहान बदहवास हालत में पड़ी दर्द से कराह रही थी। उस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन बच्चे की मदद की बजाय वहां खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। बच्ची मदद के लिए लोगों से पुकार रही थी, लेकिन वहां खड़ा कोई शख्स उसकी मदद को आगे नहीं आया। हालांकि इस मामले में पुलिस को सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज मनोज पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, सड़क की तरफ दौड़ पड़े। फिर रास्ते से निकल रहे एक ऑटो को रुकवाकर बच्चे को अस्पताल ले गए। अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है। कई घंटे बीतने के बाद भी बच्चे की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया है। अलीगढ़ के थाना देली गेट इलाके के नगला मेहताब नई आबादी में दो पक्षों के बीच दिवाली की रात पटाखा चलाने को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब 12 से 15 लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईंट पत्थर भी बरसा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने बमुश्किल माहौल को शांत कराया और घायल महिला पुरुषों को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल ने एक्सीडेंट क्लेम में फर्जीवाड़ा करने वाले वकीलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में क्लेम की रकम हड़पने वाले गिरोह में शामिल 30 वकीलों का लाइसेंस काउंसिल ने कैंसिल कर दिया है। इस गिरोह में सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि 6 पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा फर्जी क्लेम का मामला मेरठ, बरेली और शाहजहांपुर में पाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच के आधार पर वकीलों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद वकीलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के पंचकुला पुलिस की कस्टडी में एक दवा कारोबारी की मौत से बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। वहीं पंचकुला पुलिस का दावा है कि अभियुक्त के फरार होने की कोशिश के दौरान दो मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भाई की ओर से हरियाणा पुलिस पर टॉर्चर करके हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि हरियाणा के पंचकुला थाने की पुलिस ने नजीबाबाद के सेवाराम मोहल्ले के रहने वाले दवा कारोबारी संजीव कुमार को नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। महाराजगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर से हुआ। वहीं एक घायल का मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।